मार्क अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सभी कॉन्सेप्ट को वन शॉट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन का इस्तेमाल करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहले हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल में जब बात करते हैं तो ये तो पता ही है कि मेटल के कुछ एग्जाम्पल 10-12 एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे, है ना। घर में इस्तेमाल करते हैं ना आप मेटल बहुत सारे, आप जैसे आयरन इस्तेमाल करते हैं अपने घर को बनाने में, ज्वेलरी में गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, बर्तन यूटेंसिल्स में आप कॉपर और स्टील का इस्तेमाल होता है, वायर जो होते हैं कॉपर के होते हैं, तो ये सभी मेटल है। और नॉन मेटल आप जानते हो, क्लास 9 से पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो आप नॉन मेटल के बारे में। ज़्यादातर गैस नॉन मेटल, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे नॉन मेटल हैं। तो हमें इनकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है आपके साथ, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर इनके रिएक्शंस, ठीक है, फिर मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर कोरोजन। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक इस क्लास रिकॉर्डिंग में है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल अपने प्योर स्टेट में उसकी शाइनिंग सरफेस होती है जिसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं, यानी मेटल की सतह चमकदार होती है सरफेस उसकी। मेटल जनरली हार्ड होते हैं लेकिन हार्डनेस भी मेटल टू मेटल वेरी करता है, हर मेटल हार्ड होता है ऐसा नहीं है, हम आगे एक्सेप्शन में देखेंगे इसको। ज़्यादातर मेटल मतलब मेटल्स को, सम मेटल्स को पीट कर उनकी थिन सीट्स बना सकते हैं जिसे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल हैं जिनको पीट कर थिन सीट्स यानी चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल में डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी का मतलब है कि उसको ड्रॉ कर सकते हैं वायर में, खींच कर तार बना सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, आपकी बुक में दिया हुआ है 1 ग्राम गोल्ड को ड्रॉ करके 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। और मैलिएबल ही बहुत ज़्यादा गोल्ड है क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ाया रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल का इसीलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि वही ऐसा मेटल था जिसको बहुत, जिसकी बहुत पतली थिन सीट्स बनाई जा सकती थी उस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा मेटल को अगर पीटा जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस कॉल्ड सोनोरस। मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं और वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें फिर हम अल्कलाइन कहते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उन्हें अल्कलाइन भी कहते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसी की वजह से कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए वायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेटल की डेंसिटी हाई होती है, भारी होते हैं। अब बात, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की हुई, अब कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। बहुत, देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल, अगर मेटल बहुत ज़्यादा नंबर में है, मेटल नॉन मेटल तो कम नंबर में है, ठीक है। और एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल या तो सॉलिड स्टेट में है या गैस स्टेट में है, ब्रोमीन उसका एक्सेप्शन है। और अगर मेटल की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जितनी प्रॉपर्टीज हमने मेटल में डिस्कस की हैं वो सभी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में जनरली नहीं होती हैं, अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन मेटल में नहीं होती है लेकिन उसका एक्सेप्शन ग्रेफाइट आ जाता है। नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, तो एक्सेप्शंस आगे पढ़ेंगे तो क्यों लंबा करें यहीं पर खींच के सारा। स्लाइड वाइड चलते हैं। मोस्ट मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है एसिडिक के नेचर होते हैं, क्योंकि जो हवा में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, तो ये ऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है ये वाटर में, रेन वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड रेन कॉज करते हैं। तो ये एग्जांपल है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब फिजिकल एलिमेंट जो है हम उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अभी हम कह रहे हैं मेटल में ये है और नॉन मेटल में ये है, लेकिन एक्सेप्शंस भी तो हैं, इसलिए हम केमिकल नेचर भी देखते हैं और हम कुछ यहाँ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। अगर मतलब हमने जो एलिमेंट डिवाइड कर रखे हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, तो क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर ही कर रखे हैं क्या? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल की अलग अलग। एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे सभी मेटल मरकरी को छोड़कर ऑल मेटल जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, मरकरी लिक्विड होता है। मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं जनरली, ये जनरल बात है, लेकिन गैलियम और सीजियम के इतने लो होते हैं कि उन्हें हथेली पर रखो, पाम पर रखो तो पिघल जाते हैं। इसके अलावा आयोडीन एक नॉन मेटल है, हमने कहा नॉन मेटल जो है लस्टरस नहीं होते, आयोडीन उसका एक्सेप्शन है जो लस्टरस होता है। हमने कहा कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है, होते जनरली नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। और हमने ये भी कहा था कि जो नॉन मेटल होते हैं ब्रिटल होते हैं, कहा भी नहीं था तो आप कह रहे हैं बाय द वे पीछे स्लाइड में नहीं रहा हो, नॉन मेटल सॉलिड होते हैं या गैस की फॉर्म में होते हैं और ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन कार्बन का एक और अपर रूप डायमंड है जो अब तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस सो फार है, तो ये इसमें एक्सेप्शन में आ गया कि नॉन मेटल में भी ऐसी चीज है जो मेटल से भी ज्यादा हार्ड है डायमंड, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं का ये ग्रेफाइट के भी और डायमंड के भी। इसके अलावा ये अल्कली मेटल जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, हमने पीछे कहा था कि मेटल बहुत हार्ड होते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि सॉफ्ट होते हैं, इन्हें हम नाइफ से काट सकते हैं, इनकी डेंसिटी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ये एक्सेप्शन है। इन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से बच्चों हम एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस हैं। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शुरुआत करते हैं एयर से। व्हाट हैपन्स मेटल्स आर बर्नट इन एयर, क्या होता है पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में, पहला टॉपिक क्या होगा अगर मेटल्स एयर में बर्न करेंगे, तो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, अगर बर्न होगा तो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। एग्जाम्पल में मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, एग्जाम्पल कॉपर का जैसे यहाँ पे हो रहा है, कॉपर को हीट करेंगे तो उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहेंगे। तो CU प्लस O2 कॉपर का तार, आपके घर में वेस्ट तार अगर हो और उसे जलाओगे तो देखोगे उसके ऊपर एक काली सी परत चढ़ जाती है, तो वो कॉपर ऑक्साइड है। तो मेटल एयर में जब रिएक्ट करते हैं यानी ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम पे भी अपने आप ही परत चढ़ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो इस बात को प्रिवेंट करने के लिए आपने देखा होगा कि हम उसमें एनोडाइजिंग करते हैं एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देते हैं उनका ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। तो जो टॉपिक कहता है कि मेटल एयर में बर्न करते हैं, कैसे बर्न करते हैं, तो आपको बताना है कि अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, देखो अगर लगाना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे मेटल भी जो नहीं करते हैं जैसे गोल्ड है सिल्वर है, तो इसलिए अगर वर्ड बोलना पड़ता है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल में आपने कॉपर का ऑक्साइड देख लिया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देख लिया, और जो मेटल के ऑक्साइड है पीछे हमने डिस्कस किया था वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन यहां एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन की बात कर रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, यानी मेटल के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है या जिंक का ऑक्साइड है, ये दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी एज वेल एज बेसिक भी, तो ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देखना है और जिंक का ऑक्साइड देखना है।
एल्युमिनियम और जैसे रिएक्शन दिखा रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट एंड वाटर, यानी इस वक्त ये बेसिक नेचर शो कर रहा है क्योंकि एसिड से रिएक्ट कर रहा है। पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तभी तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। और दूसरा रिएक्शन अब बेस से कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम एल्युमिनेट सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा। तो ऐसे ऑक्साइड, मेटल के ऐसे ऑक्साइड जो दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वो अल्कलीज बनाते हैं, जैसे सोडियम के और पोटेशियम के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व, मैग्नीशियम के भी डिजोल्व हो जाता है। तो यहां पर सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कलाइज कहते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, एयर में मेटल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसका थोड़ा सा कंक्लूजन हुआ। यानी हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, पहला पॉइंट था केमिकल प्रॉपर्टीज का कि मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के रिलेशन में अलग अलग है। जैसे सोडियम पोटेशियम तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, मेटल जैसे पोटेशियम सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, अगर उन्हें ओपन में रखा जाएगा तो फायर पकड़ लेंगे, आग पकड़ लेंगे, कैच फायर इफ कैप्ट इन ओपन। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है, इसलिए इस बात को प्रिवेंट करने के लिए, एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें कैरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में इन्हें रखा जाता है, सोडियम या पोटेशियम को। अब ये पॉइंट एक नंबर का क्वेश्चन भी लेके आ सकता है आपके लिए कि उसे हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं सोडियम या पोटेशियम को, क्योंकि उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन बहुत विगरस है। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक या लेड करते हैं रूम टेम्परेचर पर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ये भी रिएक्ट करते हैं, तभी तो इनके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है, हम कहते हैं गंदे हो गए। एल्यूमिनियम पे उसकी ऑक्साइड की परत चढ़ गई, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया, तो रिएक्ट ये भी कर रहे हैं ऑक्सीजन से, पर इतना विगरस नहीं है जितना कि सोडियम या पोटेशियम का था। तो यहाँ कुछ ट्रेंड सा बन रहा है, अभी जो हमने एयर से रिएक्शन कराया ना, यहाँ एक ट्रेंड सा बन रहा है कि यार ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव तो सोडियम पोटेशियम है, पोटेशियम सोडियम, ये तो समझ में आ गया कि बहुत रिएक्टिव है। एक्चुअल में हम ये जो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, इन द एंड वी हैव टू रीच द रिएक्टिविटी सीरीज, पहले एयर से करवाएंगे, फिर वाटर से करवाएंगे, फिर एसिड से करवाएंगे, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से करवाएंगे, फाइनली हम पहुंच जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज पर। ये सारे जो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं जब सर वहीं पहुंचना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाना पड़ता है भाई, ये भी तो रिएक्शन करते हैं। तो ये ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो उनको फर्दर कोरोजन से बचाती है एल्युमिनियम पर, या फिर जो जिंक है लेड है। आयरन गर्म मतलब हीट नहीं करता, लेकिन आयरन फॉइलिंग अच्छी खासी बर्नर पर रखे तो हीट मतलब गर्म होकर चमकने लगती है। आयरन नहीं लेकिन आयरन फिलिंग्स यानी आयरन पाउडर बर्न करता है ऑक्सीजन में, लेकिन आयरन नहीं। कॉपर बर्न नहीं करता, लेकिन हमें पीछे देखा था कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की एक परत चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड की। और फाइनली हम सिल्वर और गोल्ड पे आते हैं, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते इवन हाई टेम्परेचर पर भी। तो ये अभी थोड़ा सा मिल गया हमें रिएक्टिविटी सीरीज में कि पोटेशियम और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव में सिल्वर और गोल्ड जाने वाले हैं। अभी बीच वालों के लिए भी और भी एक्सपेरिमेंट करने बाकी हैं। तो ये था आपको बच्चों कंक्लूजन, अभी जो रिएक्शन विद एयर हो गया ऑक्सीजन का हो गया मेटल के साथ। नाउ मूव टू एक टॉपिक है, एनोडाइजिंग क्या होता है, ऑलरेडी यू नो एनोडाइजिंग क्या है। जैसे एल्यूमिनियम पर अभी पीछे पढ़ा हमने कि एयर में है तो एक थिन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है अपने आप,
वो एक तरह से गंदा करती है आर्टिकल को। तो उसी चीज को अगर हम परपजली करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी लेयर अगर किसी आर्टिकल को एक अच्छा फिनिश देने के लिए और उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एल्यूमिनियम को चढ़ाएं, उस पर डाई कर दें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर, तो उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं जो यहाँ पे बताया हुआ है। अब याद रखने वाली यहाँ पे थोड़ी सी एक बात ये और है कि एनोडाइजिंग जब करते हैं तो क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल जो होता है उसे एनोड बनाते हैं, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां से सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीजन निकलेगा। और आपको बताया था पीछे चैप्टर वन में भी कि ऑक्सीजन कौन से रॉड पे जाएगा, कैथोड या एनोड? एनोड पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा पॉजिटिव वाले पे जाता है, हाइड्रोजन नेगेटिव वाले पे जाता है, कैथोड पे जाता है। तो ये जो एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट होगी वो इस एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ा देगी, इसलिए एनोड लिया गया है एल्यूमिनियम का आर्टिकल। एनोड इसलिए बनाया गया एल्यूमिनियम का आर्टिकल, क्लीन आर्टिकल, क्योंकि उसी के ऊपर ये ऑक्साइड की परत चढ़ानी है। बाद में इसको लेकर डाई करके वो बाकी आर्टिकल्स को भी कर सकते हैं, उसको एक अट्रैक्टिव फिनिशिंग दे सकते हैं, और फर्दर एक तरह से कोरोजन से बचाने के लिए एनोडाइजिंग की प्रोसेस करते हैं। तो एनोडाइजिंग तो आपको याद रहेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर चढ़ाने को एनोडाइजिंग कहते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एनोड किसका बनाते हैं, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल का। ऑक्सीजन गैस कहाँ लिबरेट होती है? एनोड पर होती है, और तभी तो वो उसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। बाकी वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आ गया, उससे पहले कोई एक्टिविटी का फिगर था जिन्हें हमें आपके साथ डिस्कस करना है। यहां पर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, मतलब एयर हो गया, एयर टॉपिक कंप्लीट। अब मेटल वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, स्टीम यहाँ वाटर से रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो ये लिया हुआ है मेटल का सैंपल लिया हुआ है यहाँ पर, और ये सॉक्ड इन वाटर वूल, ग्लास वूल लिया हुआ है जैसे पानी है, और इधर से बर्नर को जब इसे गर्म करेंगे तो इसका स्टीम बनेगा, पानी इसका निकलेगा, डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहे, इसकी हीट पहुंचेगी सिर्फ टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ मेटल सैंपल से वो स्टीम रिएक्ट करेगी, और जब वो स्टीम रिएक्ट करेगी केमिकल रिएक्शन होगा, और यहां से कोई गैस आएगी जो इधर से पास होगी टेस्ट ट्यूब से, तो यहां वो जो गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये एक्टिविटी है डिस्कस करना, आप फिगर को समझना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी की कोई भी फिगर छोड़ना नहीं है डिस्कशन के लिए। तो इस फिगर में क्या बताया गया, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ ले पता नहीं एग्जाम में, तो वी हैव टू डिस्कस द फिगर एवरी टाइम। तो यहां पर ये मेटल का सैंपल है, ये ग्लास वूल है जो पानी में भीगा हुआ है, गर्म करेंगे स्टीम बनेगा, स्टीम इससे रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जहां आएगा, और बबल्स प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोजन गैस के। टेस्टिंग के लिए आप कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉप साउंड के साथ चलेगा तो मालूम चल जाएगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तो हमने फिगर डिस्कस किया, अब टॉपिक पे आ रहे हैं, इसी टॉपिक पे, क्योंकि फिगर इसी से रिलेटेड था। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं, पढ़ी लिया आपने। मेटल वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, देखो अगर अब गोल्ड तो करेगा नहीं, सिल्वर तो करेगा नहीं, इवन कॉपर भी नहीं करेगा, तो अगर मेटल पानी से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। अब जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे। पर याद रखने वाली बात यह है, ये केमिस्ट्री है, हर जगह नहीं, यहाँ बट इफ बट बहुत आ जाता है, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इसलिए जो मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं वो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, और उन ऑक्साइड में भी जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं वो डिजोल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेटल पोटेशियम या सोडियम है, ये कोल्ड वाटर से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, ये तो हम पहले वाले एक्टिविटी में ही समझ गए थे कि ये ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम और सोडियम, तो ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन इतनी ज्यादा विगरस है, एक्सोथर्मिक है, कि जो हाइड्रोजन गैस वहां प्रोड्यूस हो रही है वो आग पकड़ लेती है। वाटर से इसके रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो आग पकड़ लेती है एक्सोथर्मिक होने की वजह से। रिएक्शन यहां आपके सामने दिया हुआ है, पोटेशियम के प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट,
सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। तो ये तो आपका रिएक्शन हो गया सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ, जो कि काफी विगरस है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन कैल्शियम भी हीट प्रोड्यूस करता है, पर इतना हीट प्रोड्यूस नहीं करता कि वो आग पकड़ने वाली हो, पर बर्तन कंटेनर जरूर गर्म हो जाता है। कंटेनर, जिस कंटेनर में चूने का पत्थर कहते हैं, ये तो आप कर सकते हो हार्डवेयर की दुकान से चूने का पत्थर। आजकल तो डिस्टेम्पर और ये प्लास्टिक पेंट और ये सब आने लगे हैं। पहले के टाइम पे चूने के पत्थर आते थे, उससे से व्हाइट वॉश होता था दीवारों का। तो वो पत्थर जब बाल्टी में डालते थे तो बॉइल करने लगता था पानी। तो ये वही रिएक्शन है। तो यहां पे कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और वो डिजोल्व हो जाएगा पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से ये आके ऊपर तैरने लगता है कैल्शियम सरफेस पे, आके हाइड्रोजन गैस पर चिपक के ऊपर आके तैरने लगता है ये कैल्शियम। ये यहां पर ये बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और वही है मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और इस हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन गैस की वजह से ये भी ऊपर आके तैरने लगेगा, चिपक जाएगी हाइड्रोजन गैस और ऊपर आएगा पानी के ऊपर तैरने लगेगा, जैसे कैल्शियम तैर रहा था वैसे मैग्नीशियम भी। इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अगर बात करें तो ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और वही बनाएंगे मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये ना एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये सब पीछे वाले हैं। अब यहां से थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है कि वहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहां तक तो लग रहा है कि ये रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम तो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे थे, उसके बाद कैल्शियम भी ठंडे पानी से कर रहा है, मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी से कर रहा है। लेकिन इसके बाद ये तो जिंक, ये तो स्टीम से कर रहे हैं, तो यहाँ ये लग रहा है कि अब कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, यानी तीसरे प्लेस पे कैल्शियम आ सकता है अभी तक की डिस्कशन से इनका रिएक्शन एल्युमिनियम का स्टीम के साथ। इसलिए जी लिखा हुआ है बच्चों, एल्युमिनियम प्लस वाटर स्टीम की फॉर्म में, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन भी स्टीम के साथ Fe3O4, डोंट माइंड इट, ये थ्री यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं है तो डोंट माइंड इट प्लीज, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। मेटल जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये वाटर के साथ किसी भी हालत में ना ठंडे से ना गर्म से ना स्टीम से रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। चलियो अब एयर ऑक्सीजन भी हो गया, वाटर भी हो गया, इनकी चर्चा हो गई, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एसिड तक पहुंचते हैं। मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मैं अभी एक रिएक्शन हमने देखा था, कहां पीछे देखा था, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेट्स सी, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कुछ इस तरह से, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन जैसे आपको यहाँ लिखने के लिए दिया है मैंने, आपको लिखना है, मैं यहाँ ओवरऑल आपको बता देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का या आयरन का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखना है आपको अपने नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे आपको लिखना है। लेकिन तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, और जिंक का भी वही होगा, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक, जिंक ZN प्लस HCl, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और आयरन का भी कुछ इसी तरह से होगा, आयरन प्लस HCl, Fe प्लस HCl, आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जरूर लिख लीजिएगा आप, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैंने आपको ओरल बताया, ऑडियो बताया, आपको रिटर्न करना है प्रैक्टिस, एग्जाम में ऑडियो क्लिप चिपका के नहीं आएंगे आप, हैव टू डू एवरीथिंग इन प्रैक्टिस। अब यहां पे दो बट आएंगे, पहला बट ये, हमने अभी आपको बताया कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पर ये ऑलवेज ट्रू नहीं है।
नाइट्रिक एसिड के साथ जब यही मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं बल्कि वाटर बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है उसको ऑक्सीजन दे देता है, H2 को H2O बना देता है। लेकिन अब दूसरा बट आ गया, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज, अच्छी बात तो है दोनों का नाम M से है, याद रखना आसान है आपके लिए। मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे दो मेटल हैं जो एसिड के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन बाकियों के लिए ये ट्रेंड नहीं है लागू। तो यहाँ पे दो बट आ गए, एक जनरल बात तो ये हुई कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसमें पहला बट यह है कि सभी मेटल के साथ, सभी एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। नाइट्रिक एसिड के साथ ये मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि वाटर बनता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इन्हें ऑक्सीजन देता है और ये खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन किसी ऑक्साइड में, NO या NO2 में। फिर दूसरा बट ये आ जाता है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, MCQ में कैसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ पता नहीं है। देखो यहां आगे उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिएक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं आगे, कि जो ये बबल बनते हैं उसके हाइड्रोजन गैस के, या जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है, वैसे हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नीशियम में बहुत फास्टर हो रहा है। मतलब ये चाह रहे हैं कि भैया पहला स्थान आपने पोटेशियम को दे दिया, दूसरा स्थान आपने सोडियम को दे दिया, तीसरा प्लेस कैल्शियम को दे दिया, क्योंकि कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था। पहला पोटेशियम को दिया, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम को तीसरा प्लेस इसलिए मिला क्योंकि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था। अब आ रहे हैं यहां पर मैग्नीशियम को दे रहे हैं क्योंकि ये इसमें बबल तेजी से बनता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा यहां और आगे बढ़ गई है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम एल्यूमिनियम और जिंक कुछ इस तरह का बन रहा है। और ये जो कॉपर के केस में बबल्स नहीं दिखाई देते, इसका मतलब जो कॉपर है वो एसिड के साथ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। थोड़ा सा और मोर टू नो या डू यू नो एक्स्ट्रा बात, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एक्वारेजिया क्या होता है या रॉयल वाटर क्या होता है। देखो यहां पर दो एसिड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड, दोनों कंसेंट्रेट है। अगर इनको 3:1 में मिलाया जाए, 3:1 में मिलाया जाए तो जो एक लिक्विड बनता है, जो लिक्विड तैयार होता है वो गोल्ड को मेटल मेल्ट कर सकता है, लेकिन इसी रेशियो में, रेशियो चेंज होने पर नहीं करेगा। तो इसको, इस लिक्विड को जब हम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों कंसेंट्रेट को 3:1 में मिलाते हैं तो जो लिक्विड बनता है वो गोल्ड को मेल्ट कर सकता है, और अकेला ये दोनों नहीं मेल्ट कर सकते। तो इस लिक्विड को हम एक्वारेजिया कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड या प्लैटिनम दोनों को। आगे हम अपने चौथे स्टेप पर, हमने बात कर ली मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल वाटर से कैसे करते हैं, मेटल एसिड से कैसे करते हैं। अब हम आगे मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो मेटल, बच्चों मेटल सॉल्ट से रिएक्शन का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है। अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तो वो मेटल सॉल्ट से अपने इसे कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, अपना मेटल सॉल्ट बना लेगा। रिएक्शन तो आपको पता है, ये पुरानी रिएक्शन, यहां पर उसी का ये फिगर दिखा रहे हैं। कॉपर सल्फेट में जब आयरन नेल डालते हैं तो उसका कलर फेड हो जाता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाता है और आयरन डिपॉजिट हो, कॉपर डिपॉजिट ब्राउन कलर की डिपोजिशन आ जाती है नेल पर और कलर फेड हो जाता है, क्योंकि वहां पे बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर जो है आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी को अगर कंप्लीट करना है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कंप्लीट हो जाती है, कि हमें अगर डाउट हो रहा है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है तो हमें उनके मेटल सॉल्ट में मेटल से रिएक्शन कराना होगा। जैसे मेटल एक है, अगर हम उसके सॉल्ट सॉल्यूशन बी से रिएक्शन कराएं, मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है और मेटल ए है, उनका रिएक्शन करें, और अगर रिएक्शन होता है और सॉल्ट ए का सॉल्ट बन जाता है और बी मेटल अलग हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो ये
इस बात की गारंटी देता है कि मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम फाइनली कर रहे हैं। पहले एयर से रिएक्शन करवा के देखा तो थोड़ा आइडिया मिल गया, वाटर से करवाया तो थोड़ा सा और आइडिया मिला, एसिड से कराया तो मिला लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग आइडिया था, क्योंकि वहां पे एक जगह नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन बना रहा है एक नहीं बना रहा है कुछ। तो फाइनल जो रिएक्टिविटी सीरीज तैयार होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए होगी। जिन मेटल में डाउट है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि पहले से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, या बहुत सारे हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। मेटल को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने को ही रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जो कि कुछ आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से है। सबसे ज्यादा रिएक्ट मोस्ट रिएक्टिव ऊपर है और फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, और लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे आ गए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। हाइड्रोजन नॉन मेटल है स्पेशली, लेकिन ये क्योंकि पॉजिटिव वैलेंसी भी दिखाता है इसलिए यहाँ इसे रखा गया है। और कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। और इसको हम याद करने का आपको तरीका बताते हैं। प्रोफेसर पी फॉर पोटेशियम, प्रोफेसर यहीं लिख देते हैं। देखो, प्रोफेसर एस सी मेजिल, एम ए जेड आई एल, प्रोफेसर एस सी मेजिल, मतलब प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर हो गया, सुरेश चंद मेजिल भी कह सकते हो, मेजिल उनका हो सकता है टाइटल हो। और एच फोर यहाँ पर हाइड्रोजन, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में सो गए, एच फोर हाइड्रोजन, और कोर्ट मतलब सी जो आ रहा है कॉपर, में एस फोर सो, और जी फोर गए, जी फोर गोल्ड। तो प्रोफेसर एस सी मेजिल हाई कोर्ट में सो गए, रिएक्टिविटी याद करने के लिए आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब कोर्ट में गए थे किसी काम से, थके हारे थे, कुर्सी बैठे, पंखा चल रहा था, गर्मी का मौसम था, लग गए नींद, सो गए, लेकिन आपका तो काम कर गए याद करने के लिए। अगर वो सोए नहीं होते तो ये आपका याद करना, कुछ और सोचना पड़ता आपको। फिलहाल इसी आप लाइन से आप याद रख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। अब अगला टॉपिक है भाई, मेटल और नॉन मेटल आपस में एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। फिलहाल ये नाइन्थ क्लास की टेबल आपके सामने आ चुकी है, जहां पर नोबल गैस, मेटल और नॉन मेटल जो है उनका सिंबल, नाम, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में जब रिएक्शन की बात करोगे तो आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी कहाँ से मालूम चलती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे मालूम चलती है। जैसे अगर नोबल गैस की बात करें तो यहाँ पर आउटर सेल पहला सेल है और इसमें दो है, इसकी वैलेंसी जीरो है। यहाँ दूसरा नियॉन है, आउटर सेल में आठ है। ऑक्टेट का रूल कहता है कि पहले सेल के बाद जो भी सेल है और उसके आउटर सेल में अगर आठ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी जीरो होती है। क्लास नाइन्थ में ये ऑक्टेट रूल था जो आपने पहली बार पढ़ा था। तो हर मेटल और हर नॉन मेटल चाहते हैं कि उनका जो आउटर सेल है, तार पे पैर ना रखो कोई बात, उनका जो आउटर सेल हो वो कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर। मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं इसी कारण से, वो इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज करने के लिए। तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में सोडियम है, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी एक है। मैग्नीशियम के आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के तीन है, फिर पोटेशियम का एक है और कैल्शियम के दो हैं, तो ये इनकी वैलेंसी है। और नॉन मेटल में नाइट्रोजन के आउटर सेल में पाँच इलेक्ट्रॉन यानी उसकी वैलेंसी तीन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में छः इलेक्ट्रॉन यानी इसकी वैलेंसी दो है, यहाँ एक है, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, यानी ये इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यहाँ पर ये एक चाहेगा, इसका ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये मेटल और नॉर्मल रिएक्शन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है,
सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए वैलेंसी 1 है। और क्लोरीन सीएल इसका 17 है एटॉमिक नंबर और 287 और इसकी वैलेंसी भी 1। बस तो बात बन गई, दोनों को एक को एक इलेक्ट्रॉन खोना है, एक को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पर सोडियम क्या करता है, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हमें दिखाना है ऐसे एक प्लस है, और सॉरी प्लस नहीं, डॉट या क्रॉस किसी एक सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लें आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा सोडियम का आयन Na प्लस, ये पॉजिटिव आयन हो गया कैटायन। और जब क्लोरीन एक ले लेगा तो एक क्लोराइड हो जाएगा Cl माइनस, और ये क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे और ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं उसका ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12 और कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा, मतलब वैलेंसी इसकी 2। और क्लोराइड का वही है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, वैलेंसी 1। अब मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये इसका ऑक्टेट जो आउटर सेल हो सेकंड हो जाएगा, उसमें 8 है और वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रियल लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हर इंसान की चाहे विद्यार्थी हैं चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप, अंतिम इच्छा है हैप्पीनेस। अब वो हैप्पीनेस कैसे आती है, किसी को पैसे से मिल रही है, किसी को इज्जत से मिल रही है, किसी को कोई अच्छा अपना पसंदीदा काम करने से मिल रही है, अंतिम लक्ष्य हैप्पीनेस है। वो हैप्पीनेस इनको भी मिल जाएगी अगर इनके आउटर सेल में कंप्लीट हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन को खोकर चाहे इलेक्ट्रॉन को पाकर, नोबल गैस जैसा कॉन्फिगरेशन एलिमेंट्स चाहते हैं। इसीलिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, पर क्लोरीन की क्षमता एक एटम को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये एक तो ले सकता है। तो मैग्नीशियम कहता है भाई तू एक अपने दोस्त को और बुला ला, अपने भाई को, पड़ोस रिश्तेदार को या छोटे भाई को बुला ला, मुझे 2 देने हैं और 2 ही देने हैं, मैं एक से काम नहीं चलने मेरा। तो कहता है चल अभी बुला के लाता हूं अपने छोटे भाई को, क्योंकि एक एक ले सकते हैं। तो एक इस मैग्नीशियम ने लिया, एक उसके भाई ने लिया, तो मैग्नीशियम बन गया आयन, पॉजिटिव आयन कैटायन जिसपे प्लस का 2 चार्ज है, और क्लोराइड क्योंकि 2 भाई आए थे है तो -1 चार्ज, लेकिन इसमें एटम 2 हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का कंबाइन कर जाएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक जो है आपका एक तरह से कंप्लीट होता है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, और इनके रिएक्शन से जो बन रहा है ये आयनिक कंपाउंड है, आयन के इंटरेक्शन से बन रहा है, आयन आयन के अट्रैक्शन से बन रहा है, इसलिए इसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और अब हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। यहाँ कुछ एक्टिविटी है आयनिक कंपाउंड को लेकर, जैसे यहाँ पहले वाले में सॉल्ट सॉल्यूशन को ले रखा है, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी आयन के सॉल्यूशन बनाकर, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाकर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा, यानी आयन सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इस एक्टिविटी से, इस फिगर से पता चल रहा है। और यहाँ पर इसको सैंपल ले रहे हैं, सॉल्ट का कोई सैंपल ले रहे, मान लो सोडियम क्लोराइड का सैंपल ले रहे हैं और स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इस एक्टिविटी से। तो आइए अब अपने पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का, लिथियम क्लोराइड का, ये सारे आयनिक कंपाउंड है और काफ़ी ज़्यादा हैं।
अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, लेकिन अगर उन पे ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो ब्रिटल हो सकते हैं, टूट सकते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड है, हार्ड है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयन्स का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है, लेकिन ब्रिटल होते हैं, अगर ज्यादा उन पे प्रेशर लगा जाएगा तो टूट सकते हैं पीस में, तो ब्रिटल होते हैं। मेटल की तरह नहीं कि उनकी थिन सीट बन जाएगी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो, मेटल में तो सीट बन जाती है, तुम्हें सीट नहीं बनेगी, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। दूसरा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि ये जो आयन से होते हैं, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, तो इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, तब तक इनका स्टेट कैसे चेंज होगा? आपने क्लास 9th में पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस को मेल्ट करने के लिए पहले ही चैप्टर में एक्टिविटी थी, तो उसको क्रश करके बीकर में रखते हैं और हीट करते हैं, तो आइस धीरे धीरे मेल्ट होती है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करता जब तक कि पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए, तो वो हीट कहाँ जा रही है? जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उनको तोड़ने में खर्च हो रही है, तो ऐसे यहाँ भी खर्च होगी, लेकिन ये अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। आयनिक कंपाउंड जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे अदर सॉल्वेंट है, अल्कोहल है या ऑयल है, उसमें डिजॉल्व नहीं होते। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है, यहाँ पर पानी में डिजॉल्व होते हैं, बाकी सॉल्वेंट में नहीं होते हैं। कंडक्टिविटी आगे ये है, कंडक्ट जो मैं बता रहा था आपको कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयन से बने होते हैं, तो आयन हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। लो जी, ये टॉपिक भी पूरा हो गया, मेटल और नॉन मेटल कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल की। देखो, हम लोग सुनते रहते हैं हमारे मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, तो सोना यानी मेटल, ये गाना तो बहुत पुराना है, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, तो गलत भी नहीं है। मिट्टी से ही आप गेहूं यानी वीट, राइस और पल्सेज, ये सब ग्रो करते हैं, तो क्या वीट में कैल्शियम नहीं होता? बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जिसमें कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, तो हैं, तो निकल तो रहे हैं, कैल्शियम निकल तो रहा है ना। तो यहाँ पर चलो वहाँ नहीं जाना फिलहाल, उतने लो उतने माइनट बहुत इतने बहुत ज़्यादा माइनूट लेवल पे चले गए। यहाँ बात करना है कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो मिट्टी है वो मिनरल है, उसमें सब कुछ है, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में है ना। सॉइल में, किसी सॉइल में कहीं ज़्यादा कैल्शियम होगा, कहीं आयरन है ज़्यादा, उसकी वजह से वो मिट्टी लाल हो रही है, काली मिट्टी हो रही है, अलग अलग मिनरल्स की वजह से, ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से। तो ये मिनरल्स क्या होते हैं, ये अर्थ की क्रस्ट पर जो सॉइल है उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल, सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, समुद्र के पानी से मिलता है, सी वाटर से मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। द एलिमेंट एंड कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल, जो नेचुरली मिल रहे हैं अर्थ के क्रस्ट में वो मिनरल हैं। लेकिन ऐसे मिनरल जिसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, खास तौर पे पर्टिकुलर मेटल हाई अमाउंट में है, जिससे उस मेटल को निकालना प्रॉफिटेबल होगा, निकालने में फायदा होगा, उस मिनरल को ओर कहते हैं। मिनरल तो सारा अर्थ क्रस्ट मिनरल से ही बना हुआ है, लेकिन ऐसे मिनरल जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल हाई क्वांटिटी में है और उसको निकालना प्रॉफिटेबल है, उसे ओर कहते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर से मेटल निकलेगा, मिट्टी से नहीं निकालना मेटल बच्चों, सॉइल से नहीं निकालना अर्थ क्रस्ट नहीं, वो अर्थ क्रस्ट जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल ज्यादा मात्रा में है उसको ओर कहते हैं, और उस ओर से हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन यहां पर डिस्कस करना है। अब देखो,
यहाँ पर मेटल को भी हम रिएक्टिविटी के बेसिस पर तीन उसमें डिवाइड कर रखा है। सम मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, कुछ मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं जैसे गोल्ड वगैरह फ्री स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, कुछ मेटल कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे हैं यानी बॉटम में है जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कॉपर, ये जनरली फ्री स्टेट में, ऑलवेज नहीं, गोल्ड को तो हम कह भी सकते हैं लेकिन कॉपर वगैरह का, कॉपर का मिल जाता है कॉपर सल्फाइड या कॉपर कार्बोनेट वगैरह भी जनरली, लेकिन ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट सल्फाइड सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स, जैसे कॉपर सल्फाइड या कॉपर ऑक्साइड के रूप में भी कॉपर पाया जाता है। ये हमने जो अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है वो नीचे वालों की बात हो रही है, और उसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर हमने मेटल को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है जैसे कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये नेचर में फ्री स्टेट में कभी पाए ही नहीं जाते, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और जो मेटल रिएक्टिव सीरीज के बीच में है जैसे जिंक आयरन लेड, ये मॉडरेट यानी मीडियम रिएक्टिव है और ये जनरली ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, इनके ओर्स सल्फाइड ओर्स कार्बोनेट ओर्स या ऑक्साइड, और ज्यादातर ओर्स ऑफ मैनी मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड मतलब ओर्स जो ऑक्साइड के रूप में होते हैं, कि ऑक्सीजन एक तो ज्यादा मात्रा में है अर्थ पर और रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादातर मेटल के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना देती है, इसलिए यहाँ लिखा था ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड, और रीजन यहाँ दे रखा है दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, यानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और रिएक्टिव भी ज्यादा है, तो हर ज्यादातर मेटल के साथ जुड़कर ऑक्साइड बना देता है। अब हम इसके रिएक्टिविटी को कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब एक्सट्रैक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड में, फ्लो चार्ट में थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता तो ठीक था, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, चलो कोई नहीं, ये विजिबल नहीं है। अब मेटल्स का ओर जो है बच्चों पता चल गया आपको, वो मिनरल जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल रिच क्वांटिटी में है जिसको निकालना प्रॉफिटेबल है उसे ओर कहते हैं। अब ओर में अगर हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करें उनके ओर से मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से फाइंड करते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाले पोटेशियम सोडियम उनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और जो मीडियम रिएक्टिव है जो बीच में थे उनके जो ओर्स हैं वो दो ज्यादातर दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। ये चीजें आगे हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे लेकिन अगर ये चीज यहां क्लियर हो जाएगी तो पैराग्राफ आसान होगा आपके लिए, क्योंकि फ्लो चार्ट हमेशा आसान होता है, उतना सुनकर समझ में नहीं आता, उतना पढ़ के समझ में नहीं आता जितना देखकर समझ में आता है, और ये फ्लो चार्ट आपको दिखा रहा है कैसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते हैं। तो ये जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके या तो कार्बोनेट ओर्स हैं या सल्फाइड ओर्स हैं, ऑक्साइड होंगे तो ऑक्साइड को तो आगे वाला स्टेप है, तो फिर तो सिर्फ रिडक्शन करना है। अगर सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन करना पड़ता है, यानी उसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है एब्सेंस या लेस ऑक्सीजन में, लेस एयर में, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। जब आप कार्बोनेट ओर्स को स्ट्रांगली हीट करते हो इन एब्सेंस या लेस एयर में तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं, और उससे आपको मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। और अगर सल्फाइड है तो उसका रोस्टिंग करते हैं, यानी रिच अमाउंट में अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन में एयर में उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है। दोनों को स्ट्रांगली हीट करना है, एक में एयर एब्सेंस है एक में एयर प्रेजेंट है, और दोनों ही स्टेप से एक ही चीज मिलती है उस मेटल का ऑक्साइड। अब ऑक्साइड है तो उसका रिडक्शन करो, अब रिडक्शन के लिए अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एलिमेंट को यूज किया जा सकता है, जैसे ज्यादातर कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव है उनमें कार्बन नहीं कर सकते आप, पोटेशियम में सोडियम में उनके ऑक्साइड से रिडक्शन करने के लिए आप नहीं कर सकते कार्बन का इस्तेमाल, क्योंकि पोटेशियम या आगे हम पढ़ेंगे अभी चर्चा नहीं करते हैं। तो ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और फिर मेटल मिलेगा और मेटल का फिर प्यूरिफिकेशन होगा,
तो आप परेशान मत होइएगा, यहाँ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल लिखा हुआ है जो विजिबल नहीं है प्रॉपरली। उसके बाद जो लो रिएक्टिव है नीचे, यानी ये ऊपर वाले, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है मोल्टन ओर्स का, इनका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होता है, फिर ऑक्साइड मिलता है, फिर उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब आप समझते हैं ऑक्सीजन को हटाना मेटल प्राप्त करने के लिए। और जो लो रिएक्टिव है या तो फ्री स्टेट में है तो उनका प्योरिफिकेशन करना होगा, और अगर फ्री स्टेट में नहीं है सल्फाइड में होंगे या ऑक्साइड में होंगे, तो सल्फाइड में है तो रोस्टिंग कर दो, ऑक्साइड में है तो रिडक्शन कर दो, फिर मेटल मिल जाएगा, फिर रिफाइनिंग यानी उसका प्योरिफिकेशन करना ही है। प्योरिफिकेशन सबका करना है, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है रिफाइनिंग का, विद फिगर बनाना होता है। अगर आपने ये फ्लो चार्ट समझ लिया है तो आगे की स्लाइड्स आपके लिए बहुत ईजी हैं, और नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके आप एनसीईआरटी की बुक जाके देखो, उसमें अच्छे से देखो, उसके बाद आगे की क्लास अटेंड करो। तो अब पहला स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी ओर से हमें मेटल प्राप्त करना है। तो पहले क्या करना होगा, हर ओर में कुछ ना कुछ गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, उन इम्प्योरिटीज को गैंग कहते हैं, और इनको रिमूव करना ही एनरिचमेंट कहते हैं। अब वो गैंग किस तरह का है और एलिमेंट कौन सा है, किस एलिमेंट के साथ है, तो उनको हटाने के अलग अलग मेथड अप्लाई हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है गैंग के नेचर और उस एलिमेंट का नेचर जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या है, रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स, उसे कहते हैं एनरिचमेंट, यानी उसको साफ कर रहे हैं ओर्स को। अभी मेटल नहीं मिल रहा उनसे, अभी केवल साफ कर रहे हैं उसकी गंदगी को, इम्प्योरिटीज को हटा रहे हैं, जिसे हम गैंग कहते हैं। तो अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, वो डिपेंड करता है गैंग के नेचर पर और एलिमेंट पर। अब पहला है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, पीछे हमने डिस्कस किया था अभी ग्राफ फ्लो चार्ट में, इसलिए हमने कहा था वो अगर समझ लिया तो ये आसान है, फिर तो आप इसे पॉज करो, करो क्या करना है, याद है आपको वहां से जो लो रिएक्टिव थे या तो फ्री स्टेट में है या सल्फाइड के रूप में है, तो सल्फाइड का है तो भाई उसका वो कर दो, वो रोस्टिंग कर दो, ऑक्साइड है तो उसका रिडक्शन कर दो। तो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, क्योंकि अब एनसीईआरटी का कोई रिएक्शन है तो उसे इग्नोर तो करना नहीं है आपको, याद भी करना पड़ समझ के। तो ये सिनाबार है HGS, मरकरी का एक ओर है सिनाबार, और इसका जब रोस्टिंग कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट कर रहे हैं, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, और फर्दर इसे और हीट करेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो ये मर्करी में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है, मर्करी सिल्वर गोल्ड उनके लिए, खासतौर मर्करी के लिए या कॉपर के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, सिमिलर कॉपर का भी है, कॉपर का अगर सल्फाइड है तो उसका भी रोस्टिंग कर रहे हैं, और कॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फिर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ ही हीट कर रहे हैं, तो यहां उसका रिडक्शन हो जाता है, कॉपर मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ के एलिमेंट हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड और मरकरी। तो मरकरी का डिस्कस कर लिया, कॉपर का डिस्कस कर लिया, सिल्वर गोल्ड का करने की जरूरत नहीं है। अब बीच में, पीछे हमने फ्लो चार्ट से समझा दिया आपको, बीच में अगर जो एलिमेंट है मेटल्स हैं उनके दो तरह के ओर्स हैं, या कार्बोनेट है या सल्फाइड है। तो कार्बोनेट्स है तो कैल्सिनेशन कर दो, और सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर दो, ये दे रखा। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। एग्जांपल ये रहा, जिंक सल्फाइड को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, अभी ऑक्साइड का रिडक्शन करना बाकी है क्योंकि अभी ऑक्साइड मिला है और रिडक्शन करना बाकी है। दूसरा एग्जांपल कैल्सिनेशन का है, जिंक कार्बोनेट है यानी अगर कार्बोनेट का ओर है तो उसका कैल्सिनेशन कर दो, स्ट्रांगली हीट करो, लेस एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में जिंक ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके बाद आपको इनका रिडक्शन करना है, तो ये रिडक्शन के लिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और सस्ता और अच्छा कार्बन है कोक, ये सस्ता पड़ता है और अच्छा है। तो यहां पे उसी का रिएक्शन रखा है, जिंक ऑक्साइड जब कोक के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, ये सारे हार्मफुल गैसेस हैं,
इसीलिए ये फैक्ट्रिया वगैरह जो होते हैं ना, ये ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं मेटलर्जिक प्रोसेस में। उधर सल्फर डाइऑक्साइड, इधर कार्बन मोनोक्साइड, दोनों ही हार्मफुल गैसेज हैं। अब एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम है, कार्बन की जगह नहीं कोक की जगह पर कई बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्बन से रिडक्शन करा था वो ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी काम हो सकता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये है इसके बाद आयरन वाला, ये थर्मिट रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो थर्मिट रिएक्शन और पीछे वाला, यहां पे क्या ना, कार्बन की जगह यानी कोक की जगह पर हम रिडक्शन के लिए जिस एलिमेंट का ऑक्साइड है उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो इसके साथ हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीज लिक्विड स्टेट में अलग हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, ये भी रिडक्शन ही है। रिडक्शन भी है एक तरह से, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा है और मैग्नीज अलग हो रहा है, तो रिडक्शन में ये भी हो सकता है। अब यहां पे क्वेश्चन बन रहा है कि यहां पूछ रहे हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहां पे L लगा हुआ है, यानी यहां जो मेटल मिलता है लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। ये बाबूजी कुछ यहां पर रेलवे ट्रैक पे कुछ काम कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक के जॉइंट को जोड़ने के लिए थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, उसी का यहां पे जिक्र है। यहां पे इसका रिएक्शन पहले देखते हैं, ये रहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, सॉरी आयरन ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब इसके साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये आयरन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस हीट, तो ये आयरन जो कि लिक्विड स्टेट में है इसी का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए या मशीनों में क्रैक्स को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देयर कैन बी क्वेश्चन अबाउट थर्मिट रिएक्शन, तो आपको ये रिएक्शन याद करके लिख कर प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। और इनका पिक्चर मत बोलना, ये याद रहेगा पिक्चर से, ये क्या कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, हाँ थर्मिट रिएक्शन कर रहे हैं एक तरह से। अब लो का हमने कर लिया, सिनाबार लो था, कॉपर सल्फाइड लो था, उसके बाद मीडियम पे भी कर लिया हमने, कैल्सिनेशन रोस्टिंग कर लिया। अब टॉप में जो है, टॉप में एलिमेंट जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया कि रिएक्टिव सीरीज में जो एलिमेंट टॉप में पाए जाते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनको हम कार्बन के साथ, उनके ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन की हेल्प से, इसलिए कार्बन उनको रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता, देयर कैन बी क्वेश्चन। सोडियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, एल्युमिनियम को कार्बन रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता, कोक रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता, तो यहां रीजन दिया हुआ है कि कार्बन की जो दोस्ती, उसके लिए वर्ड यहां पे यूज किया है एफिनिटी, कार्बन की जो दोस्ती ऑक्सीजन से है एफिनिटी, उससे ज्यादा एफिनिटी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की ऑक्सीजन से है, यानी कार्बन ऑक्सीजन उनका ज्यादा अच्छा दोस्त है, जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम का, तो कार्बन में इतना दम नहीं कि वो उनकी दोस्ती तोड़कर अपने साथ जोड़ ले ऑक्सीजन को, इसलिए कार्बन की हेल्प से, कोक की हेल्प से जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उनका रिडक्शन नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करना होता है, वो आगे दिया हुआ है, तो इनका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, यानी इनके मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस, और मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो कैथोड जो कि आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है उस पर आपका मेटल डिपॉजिट होगा। अब याद रखना बिल्कुल आसान है, मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे, और क्लोरीन गैस एनोड पे लिबरेट होगी, क्योंकि एनोड पॉजिटिव रोड है तो उस पर गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों एनोड पे ही जाती है, तो ये आपको याद रखना है, कैथोड पर सोडियम का मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो आपको एक लाइन में कहना है कि कैसे करते हैं भाई, जो मेटल रिएक्टिव सीरीज में टॉप पर है, हाईली रिएक्टिव है, उनका उनके ऑक्साइड से या उनके ओर से कैसे उनको प्राप्त करते हैं, तो आप कहेंगे उनके मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और कैथोड पर मेटल मिलती है, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, कार्बन से उनका रिडक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्बन की एफिनिटी
उतनी अच्छी नहीं है ऑक्सीजन से जितनी अच्छी इनकी है एफिनिटी ऑक्सीजन से। सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रो, चलिए कोई नहीं ये भी बात वही है। अब मेटल तो प्राप्त कर लिया आपने अलग अलग तरीके से, अब इनकी रिफाइनिंग की बात करते हैं। रिफाइनिंग वाला जो मेटल मिले हैं अभी भी इनमें कुछ अशुद्धियां हो सकती है, कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने की प्रोसेस को ही रिफाइनिंग कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ रिफाइनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा कैसे याद रखना है आपको। जो एनोड है ये आपका इम्प्योर मेटल का लेना है, जो भी मेटल को प्योर करना है जिसका प्योरिफिकेशन करना है उसका एनोड लेना है, वो मोटी रॉड। अब रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि एनोड जो है गलेगा नीचे, मेल्ट डिजॉल्व होगा और प्योर मेटल कैथोड पे उतनी ही मात्रा में डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि मेटल का डिपॉजिट आपको पता है कि कैथोड पे होना है। इसलिए इम्प्योर मेटल का आपने एनोड लेना है प्योरिफिकेशन में, प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप कैथोड लेनी है जिस भी मेटल का आप प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, और उसका जो है इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल के क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो जिस मेटल का आपने प्योरिफिकेशन कर रहे हो, जैसे कॉपर क्लोराइड। तो तीन चीजें चाहिए, एनोड किसका होगा, कैथोड किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा। एनोड होगा इम्प्योर मेटल का थिक रॉड, कैथोड होगा प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप, और इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, और थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छा हो उसमें एसिड डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, H2SO4 डाल देंगे, उसके बाद करंट ऑन कर देंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गई। ये जो एनोड जो कि इम्प्योर मेटल का बना हुआ था वो डिजॉल्व होने लगेगा उस इलेक्ट्रोलाइट में, और उसके साथ ही जो इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो सकती हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे उस सॉल्ट में, इलेक्ट्रोलाइट में। जो नहीं डिजॉल्व होंगी वो एनोड के नीचे जमा हो जाएंगी, जिसे एनोड मड कहते हैं, एनोड के नीचे ही डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसे एनोड मड कहते हैं, और उतनी ही मात्रा में सेम क्वांटिटी में प्योर मेटल कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, यानी एनोड पतला होता जाएगा कैथोड मोटा होता जाएगा। ये आपकी रिफाइनिंग है। अब इसको बना के लिख देना, पैराग्राफ पढ़ के लिख देना, जो मर्जी करके लिख देना, बस सुन लो ध्यान से, ठीक है, और पॉज करके पढ़ लेना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, सारी चीजें यहां लिखी हुई है। अब आ जाइए अपने लास्ट टॉपिक कोरोजन पर। सिल्वर आर्टिकल का जो कोरोजन होता है वो काला पड़ जाता है, क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो एयर में H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उसके साथ रिएक्शन करके, चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कोरोजन सिल्वर का। तो सिल्वर यानी चांदी काली पड़ जाती है क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड बना देती है एयर में, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है उसके साथ रिएक्ट करके, और इसी को कोरोजन भी कहते हैं। ऊपर की जो परत होती है, कॉपर में आपने पढ़ा था वो ग्रीनिश हो जाता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से ग्रीनिश हो जाता है एयर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, मॉइस्चर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। तो और आयरन का तो आपको पता ही है, रस्टिंग होती है मॉइस्चर के साथ, वाटर वेपर स्टीम की फॉर्म में हो या वेपर की फॉर्म में हो, यानी ऑक्सीजन और वाटर दोनों चाहिए रस्टिंग के लिए। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है, बाय द वे कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस एक्टिविटी से। अगर ये फिगर विजिबल नहीं है तो आप एक्टिविटी 13.3.14 यानी 14th एक्टिविटी को अपनी बुक में देखिए। और इसमें एक्टिविटी में क्या समझाया गया है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में एयर भी है, वाटर भी है, और उसमें आयरन एल डाली है और रस्टिंग हो रही है उसकी। दूसरी वाली एक्टिविटी में एयर भी है, वाटर भी है, इनके बीच, और जो वाटर है वो बॉइल्ड डिस्टिल वाटर है, ताकि अगर डिस्टिल वाटर और बॉइल्ड डिस्टिल ताकि उसके अंदर कोई एयर हो तो वो भी निकल जाए बाहर, और बीच में ऑयल की लेयर है, पानी तेल की परत है यहाँ बीच में, यानी ऊपर हवा, नीचे पानी और अंदर आयरन नेल है। अब इस नेल पर रस्टिंग नहीं होगी, पानी है पर एयर नहीं है, तो रस्टिंग के लिए दोनों चीजें चाहिए, पानी भी चाहिए एयर भी चाहिए। तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में होगा रस्टिंग, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एयर है पर पानी नहीं है। पहले वाले में पानी है पर एयर नहीं है दूसरे वाले में, तो तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि इसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया गया है जो कि उसके अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा, यानी पानी खत्म कर देगा उसमें से। एयर है पानी नहीं है,
तो इस केस में भी रस्टिंग नहीं होगा। तो मैं समझा के चल रहा हूं भाई, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। अब कोरोजन से बचाना, कोरोजन क्या होता है वो तो आपको बताइए पहले चैप्टर से, इसलिए मैंने उसको डिफाइन नहीं की रिपीट, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। रस्टिंग से बचाने, कोरोजन से बचाने के लिए पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रेजिंग, गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। तो इस टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट है, एक गैल्वनाइजेशन और एलॉय। तो गैल्वनाइजेशन का आपको पता ही है, जिंक की परत, जिंक की पतली परत, थिन लेयर किसी मेटल पर चढ़ा कवरिंग करते हैं थिन जिंक की, उस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इससे पहले आपने एनोडाइजिंग भी पढ़ा था, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर गैल्वनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक, गैल्वनाइज्ड आर्टिकल। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, इसमें पूछा भी गया आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे रखा हुआ है। द गैल्वनाइज आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, कैन यू रीजन दिस आउट। तो क्वेश्चन था ऐसा, तो वो जिसके ऊपर गैल्वनाइजेशन हुआ है, आयरन जिंक की कोटिंग हुई है, अगर कोटिंग टूट भी जाती है तब भी उस पर रस्टिंग नहीं लगती है, तो क्यों नहीं लगती है? उसका आपको जवाब देखना है। तो उसका आंसर यह है कि उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, उस आर्टिकल पर जिंक की कोटिंग टूट जाती है, लेकिन जिंक ऑक्साइड की परत उसे फर्दर कोरोजन से बचाती है। तो इसका आंसर यह था। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब एलॉइंग की बात कर रहे हैं, मतलब कोरोजन से प्रिवेंशन का एक और अच्छा तरीका एलॉइंग है। एलॉय क्या होता है? किसी मेटल में दूसरा मेटल मिलाना या दूसरा कोई नॉन मेटल मिला देना, इस प्रोसेस को एलॉइंग कहते हैं, मिश्र धातु बनाना। तो एलॉइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। जैसे आयरन में, आयरन जो शुद्ध प्योर आयरन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें से कार्बन मिला देते हैं तो हार्ड हो जाता है, फिर उसमें निकिल और क्रोमियम मिला दोगे तो स्टील बन जाएगा। तो ये अलॉइंग तो कर रहे हैं आप, उसकी प्रॉपर्टी को अच्छा कर रहे हैं, रस्टिंग से प्रूफ करने के लिए आप स्टील बना रहे हैं, और उसमें कार्बन इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि इतना सॉफ्ट है, अगर कार्बन नहीं मिलाएंगे तो यूज नहीं हो पाएगा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, वो तो मुड़ जाएगा। तो प्योर लोहा तो, प्योर आयरन तो यूज हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल लाइफ में। तो यहाँ बहुत थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मिला देते हैं तो वह हार्ड हो जाता है, और अगर उसमें निकिल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। तो ये अलॉइंग है। अब वो मैंने आपको बता दिया कि अलॉय बनाते समय मेटल में मेटल भी मिला सकते हैं और नॉन मेटल भी मिल सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब आगे, एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड अ नॉन मेटल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल और फिर उसमें डिजोल्व कर देते दूसरा एलिमेंट, चाहे वो मेटल है चाहे नॉन मेटल है, और फिर से रूम टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं, तो इससे अलॉय तैयार हो जाता है। प्राइमरी मेटल को मेल्ट करके उसमें दूसरा मेटल मिलाया जाएगा, फिर उसे कूल करा जाएगा। अब क्या आप जानते हैं 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है? ये भी अलॉय ही है। एक बार ऐसा हुआ बच्चों, एक थानेदार साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हम अपनी वाइफ को, सुनार के पास चले गए, कह रहे कि हम अपनी वाइफ को प्योर, भाई देख जरा भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, शुद्ध सोना चाहिए और सोने का हार, कल मेरी वाइफ का बर्थडे है, चाहिए सोने का हार पूरा, और मिलावट हो गई तो तेरी दुकान में ताला लगवा दूंगा। वो डर के मारे बेचारा वो भी कुछ नहीं कहा, समझाने का प्रयास किया, सुना ही नहीं उन्होंने, दे दिया उसने सोने का हार, प्योर गोल्ड का, प्योर गोल्ड का। फिर वो लेके गए, वाइफ को बर्थडे गिफ्ट किया, वाइफ भी खुश। फिर रात को जब सो के उठी, पहन के गलती सो गई थी, रात को सो के उठी, जब सुबह सो के उठी तो पूरा डिफॉर्म, पूरा डिजाइन ही बदल चुका था, मुड़ तोड़ गया था। वो टूट पड़े थानेदार साहब पे, जे कहा कर दिया तुमने, बर्थडे गिफ्ट दिया, बेवकूफ बनाया। अब वो सुनार के पास गए, कह क्या दे दिया तूने, मैंने तेरे से प्योर सोना कहा था, तूने क्या दे दिया, पिघल रहा है, मुड़ रहा है। तो कहता है बाबूजी आप तो सुन ही नहीं रहे थे, मैं वही तो मैं आपसे कह रहा था सर, प्योर मत बनवाओ, उसे 22 कैरेट में बनवा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्योर गोल्ड तो भैया सॉफ्ट होता है, वो तो मुड़ना ही था। अब आपकी, मैं अब आपके ध्वज के सामने बोल कहाँ पा रहा था मैं, अब आए ना लाइन पर, तो भैया एलॉय करने से वो हार्ड हो जाता है गोल्ड। तो 24 कैरेट का गोल्ड जो है 100% तो कोई भी नहीं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 99.9% प्योर होता है। बट ज्वेलरी वगैरह में 22 कैरेट का गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसमें 92% प्योरिटी होती है।
22 कैरेट के गोल्ड में 92% के लगभग प्योर गोल्ड होता है और 8% या तो उसमें सिल्वर मिला देते हैं या कॉपर मिला देते हैं, जिससे कि वो हार्ड हो जाए और फिर वो थानेदार साहब जो हुआ वो आप किसी के साथ ना हो। ठीक है भाई, तो प्योर गोल्ड में यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे 22 पार्ट प्योर गोल्ड लेंगे और 2 पार्ट दूसरा कोई कॉपर या सिल्वर ले लेंगे तो 22 कैरेट का गोल्ड बन जाएगा, तो 92% प्योर होता है वो 22 कैरेट वाला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अमलगम क्या होता है, ये एक ऐसा अलॉय है जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी होता है, उसे अमलगम कहते हैं। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन कवर करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, अलॉय के बारे में यही कहेंगे कि ये रिड्यूस होती है, एलॉय बनाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस एलिमेंट की कम होती है मेटल की। यहां पे उसी का जिक्र किया हुआ है, एंड मेल्टिंग पॉइंट अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है एलॉय बनाने से, इसलिए कॉपर का वायर इस्तेमाल किया जाता है, ब्रास का नहीं किया जाता, ब्रॉन्ज का नहीं किया जाता, क्योंकि एलॉय है। अब ब्रास किससे बनता है, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल में कॉपर और टिन है। ठीक है, ये गुड, ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते ब्रॉन्ज और ब्रास, जबकि कॉपर जो है एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो दिस इज द पॉइंट शुड बी नोटेड कि अलॉय, अलॉयिंग करने से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसी कारण से सोल्डर, सोल्डर भी एक अलॉय है जिसमें लेड और टिन मिलाया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसको वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, टांके लगाने में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलॉय के बारे में बच्चों हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी, एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है, आयरन पिलर एट दिल्ली। ये आपका कुतुब मीनार है जो दिल्ली में लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था, और कैसे बनाया गया था कि आज तक उस पर रस्टिंग नहीं लगी है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, दुनिया भर के साइंटिस्ट आकर इस पर इन्होंने वर्क किया है और पता लगाने के, कितना इंडिया में उस वक्त डेवलपमेंट था मेटलर्जी के फील्ड में कि ऐसा पिलर बनाया है कि वो रस्ट आज तक नहीं हुआ, 1600 साल हो गए। और इसकी हाइट 8 मीटर है और 6000 केजी का है। इस तरह से आपका ये एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है।